मेरा नाम है अजय, आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं जंतु विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जंतु पोषण को। तो जंतु पोषण स्टार्ट करने से पहले हम उसके क्या देखेंगे, उसके प्रकार को जान लेते हैं। तो जंतु पोषण में पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार से हैं? पोषण है आपके दो प्रकार से, पोषण कितने भागों में बांटा गया है, ये कितने प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं या इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा आपका परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को क्या बोला जाता है, परपोषी या विषम पोषी पोषण। हमने देख लिया पोषण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। हम पोषण को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वपोषी। स्वपोषी पोषण क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या है स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे या जीवाणु, क्या है हरे पेड़ पौधे या जीवाणु या आदि, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। हम दूसरा देखते हैं परपोषी या विषम पोषी, ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी या विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। चलिए हम इसके ग्राफ के रूप में समझते हैं आगे। हम देखते हैं ग्राफ के रूप में पोषण के क्या कितने प्रकार हैं, क्या क्या है, फिर उसके बाद उसमें फिर और कितने भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पोषण के प्रकार। हमने ऊपर जस्ट देखा पोषण के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला था क्या, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। क्या बोला मैंने, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। और दूसरा क्या था, परपोषी या परमपोषी पोषण या विषम पोषण, परपोषी पोषण या विषम पोषण। तब स्वपोषी पोषण के अंतर भी इसके दो भाग हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। क्या है, एक है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी क्या करते हैं, जो अपना अपना भोजन प्रकाश के द्वारा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश के द्वारा तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और रसायन संश्लेषी जो क्या करते हैं, रसायन ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। रसायन संश्लेषी क्या करते हैं, अपना भोजन रसायन ऊर्जा के द्वारा तैयार करते हैं। हम देखते हैं परपोषी और विषम पोषी में वो कितने भागों में बांटा हुआ है, आपका परजीवी और क्या है दूसरा मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्या क्या है, परजीवी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हम अब इसको पूरे डिटेल में देखेंगे आगे कि प्रकाश संश्लेषी क्या है, रसायन संश्लेषी क्या है, परजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या है और शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है, सर्वाहारी क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आप स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हमने ऊपर देखा था, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। क्या क्या आते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, इसके दो भाग हुए। तो प्रकाश संश्लेषी क्या करते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, या क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी। जैसे कि आपका पेड़ पौधे और आदि। और हम देखते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु आदि। क्या है इसके एग्जाम्पल, सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु आदि, तो ये रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी का आप यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हैं आप हमारे वीडियो में। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं अब आपका परपोषी पोषण। क्या देखेंगे हम, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या है, परजीवी। इसके अंदर क्या आते हैं, परपोषी पोषण के अंदर परजीवी पहले देखेंगे। इसको हमने चार या पांच भागों में बांटा था, एक तो परजीवी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो हम सबसे पहले देखते हैं परजीवी। परजीवी क्या है, पर मतलब क्या है आपका, पराया। पर मतलब क्या होता है आपका, पराया। पराया क्या है, तो दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं परजीवी।
पराया से, तो दूसरे जीवों से ये अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि सभी जंतु, सभी जंतु क्या करते हैं, दूसरे से जीवन अपना भोजन बनाते हैं। और क्या है, कवक। इसके एग्जांपल क्या है, सभी जंतु और कवक। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, परजीवी को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अंधा परजीवी, और दूसरा क्या है, बाह्य परजीवी। क्या है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला अंधा परजीवी और आपका है दूसरा बाह्य परजीवी। तो हम देखेंगे सबसे पहले अंधा परजीवी को। तो अंधा परजीवी में आपका आता है मनुष्य के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अंधा परजीवी कहते हैं। मतलब क्या है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, अंधा परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका फीता कृमि, एस्कारिस, लिवर फ्लूक, फाइलेरिया परजीवी आदि। क्या है, फीता कृमि, एस्कारिस, लिवर फ्लूक, फाइलेरिया या परजीवी आदि, ये क्या है, अंधा परजीवी कहलाते हैं। हम देखेंगे आप बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी के अंतर्गत क्या आते हैं, बाह्य परजीवी में जो मनुष्य के शरीर के बाहर रहकर क्या है, वो अंधा परजीवी क्या था, मनुष्य के शरीर अंदर रहकर भोजन बनाते थे। और बाह्य परजीवी में क्या आएंगे, जो मनुष्य के शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बाह्य परजीवी कहलाते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मच्छर, जू, जोंक आदि। मच्छर क्या है, मनुष्य को काट कर वो अपना भोजन प्राप्त करती है। जू भी वैसी है, जोंक भी वैसी है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मच्छर, जू, जोंक आदि। हम फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, मृत परजीवी के अंतर्गत जो मृत पदार्थ है। मृत परजीवी मतलब क्या होता है, मृत मतलब क्या है, मृत यानी मरा हुआ। तो क्या है, जो मृत पदार्थों से, क्या है, मृत पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृत्युपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो मृत्युपजीवी कहलाते हैं। तो इसको आप हमारे डायग्राम के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके एग्जांपल है विभिन्न प्रकार के जीवाणु या कवक या मोनोट्रोया आदि। क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु या कवक या मोनोट्रोया आदि, जिसका आप हमें यहाँ पे एक इमेज भी देख रहे हैं। आप ऊपर आपने परजीवी का भी इमेज देखा है, रसायन संश्लेषी का भी इमेज देखा है, तो आप हमारी वीडियो में इमेज देख सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों आगे, आगे हम देखते हैं आप शाकाहारी। शाकाहारी मतलब क्या है, पेड़ पौधे पत्तियां आदि खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। पेड़ पौधे की पत्तियां आदि खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। जैसे कि आपके हैं बकरी, गाय, घोड़ा, हिरण आदि, जो हरे हरे पत्तियां खाते हैं या पेड़ पौधे को खाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके शाकाहारी के अंदर आएंगे। इसकी एग्जांपल क्या थे, आपके बकरी, गाय, घोड़ा, हिरण आदि। हम देखेंगे अब मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे हैं, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं। मांस से ही पता चल रहा है आपका, मांसाहारी मतलब मांस। तो ऐसे जीव जो मांस खाते हैं या जीवों को मारकर खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो मांस को खाते हैं या जीवों को मारकर खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मांसाहारी कहलाते हैं। तो मांसाहारी के अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं, शेर है, बाघ है, लोमड़ी आदि, जो क्या है, मांस को खाते हैं और जीवों को मारकर खाते हैं तो क्या कहलाएंगे, आपके मांसाहारी कहलाएंगे। हम देखते हैं दोस्तों फिर आगे, हम देख रहे हैं आप सर्वाहारी। सबसे लास्ट हमने क्या देखा था, पहले क्या देखा था, परजीवी, मृत्युपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, और लास्ट क्या आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब क्या है, जो सर्व मतलब सर्वोत्तम, सर्व मतलब क्या है आपका, सर्वोत्तम या सभी प्रकार के, सर्वोत्तम या सभी प्रकार के, या इसको भी क्या बोलते हैं, या सभी किस्म के, सर्वोत्तम या सभी किस्म के। सर्वाहारी मतलब क्या, जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी, पेड़ पौधे भी, और खा लेते हैं, क्या करते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, पत्ते भी, पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, वो मनुष्य, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जांपल है मनुष्य, जो कि पेड़ पौधे के फल फूल भी खा लेते हैं जिसमें अलग, और मांस भी खाते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य। तो किसके अंतर्गत आएंगे, सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।